सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, देश भर के केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी जो कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और खबर ये है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए, साथ में ही न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के लिए 15 नवंबर 2018 को देश भर में एक देशव्यापी भूख हड़ताल या फिर स्ट्राइक करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। और उससे पहले 5 सितंबर 2018 को विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी संगठन हैं वो एक मास धरना यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स सेंट्रल हेडक्वार्टर के द्वारा 28 जून 2018 को सभी जो कर्मचारी संगठन हैं उनको जारी किया गया लेटर है। और इसमें उन्होंने ये दिया है कि 11 नवंबर 2018 को देश भर में देशव्यापी हड़ताल की जाएगी और उससे पहले 5 सितंबर 2018 को दिल्ली में एक मास रैली निकाली जाएगी, जिसका मेन मकसद रहेगा कि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए और कर्मचारियों की जो मांगें हैं, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का और उनकी जो 10 सूत्रीय जो मांगें हैं कॉन्फेडरेशन की, उनको लागू करने के लिए यहाँ पर इन्होंने 5 सितंबर 2018 को दिल्ली में एक मास रैली निकालने की घोषणा की है। तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें अधिक से अधिक जो कर्मचारी हैं, संगठन हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो भाग लेंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। तो इसमें इन्होंने हर एक जो कर्मचारी संगठन है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी संगठन भी हैं और सरकारी सेक्टर के भी जो कर्मचारी संगठन हैं वो सब भाग ले रहे हैं और सबके लिए इन्होंने यहाँ पर अलग अलग से सीट फिक्स कर दी हैं। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज के लगभग 5,000 कर्मचारी यहाँ पर भाग लेंगे, इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन के लगभग 1,000 कर्मचारी यहाँ पर भाग लेने जा रहे हैं, ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के लगभग 500 लोग, ऑल इंडिया सिविल अकाउंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के लगभग 500, नेशनल फेडरेशन ऑफ ऑटोमिक एनर्जी एम्प्लॉयज के लगभग 300। तो यहाँ पर सभी तरीके के जो कर्मचारी संगठन हैं, पेंशनर्स के संगठन हैं, वो भाग ले रहे हैं और उसमें लगभग 1,00,000 के आसपास कर्मचारियों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी खबर है कि इतने सारे कर्मचारी संगठन मिलकर एक साथ धरना दे रहे हैं और उम्मीद किया जाए कि सभी कर्मचारियों की जो मांगें हैं वो जल्दी ही सरकार के द्वारा मानी जाएगी और उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ और न्यूनतम वेतन एवं फिटमेंट फैक्टर में जो बढ़ोतरी की मांग है उसको माना जाएगा और उसका लाभ इन्हें दिया जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर ये निकल के आई है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कर्मचारी एवं पेंशन से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में मालूम चल सके और वो भी हर एक ताज़ा खबर से अपडेटेड रहें। धन्यवाद।